नरेंद्र मोदी, गुड इवनिंग। आरडी करके कोई है, गुड इवनिंग। हेलो, क्या सब हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है हमारी? क्लास 10th के जितने बच्चे, उनके यहाँ शेयर करा जाए जल्दी से। क्लास 10th में और 12th में जो भी बच्चे हैं, उनके यहाँ लिंक को शेयर कर दें, ताकि बाद में उस हमें ना कहे। हमसे जितना हुआ है हमने शेयर करा है। करंट चैप्टर पढ़ाएंगे, वो करंट क्लास 12th में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद, और क्लास 10th में वही पढ़ा ही रहे हैं। तो जो बच्चे आपके क्लास 10th में वो शेयर नहीं किया गया, शेयर कर लें जल्दी से। किसी का व्हाट्सएप नंबर है तो शेयर करें जल्दी से। और बताओ, सब ठीक हो? हाँ, वो क्लास 10th वालों को, 12th वालों का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12th वालों का रिवीजन हो जाएगा। 12th वाले तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 10th वालों का भी। सभी के हमारी बात पहुंच नहीं रही है। फार्मूले जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लो, जो भी फार्मूले हमने पढ़ा रखा है। जैसे हमने आपको पढ़ाया है कि धारा क्या होता है, करंट किसे कहते हैं, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, या I बराबर Q अपान T, पढ़े रहे होगे। फिर इसके बाद जो है आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होते हैं, इनमें क्या क्या संबंध होता है। ओम्स लॉ पढ़े दे, फार्मूला याद है किसी को, बोलना जरा। ओम्स लॉ का फार्मूला बोलना जरा।
आ नहीं रहा किसी को। हाँ क्या गुंडा बनेगा सब। क्रिस एक्स वाई जेड बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बस एक ही बच्चे को आ रहा है। कैसे काम चलेगा? सो रहे हैं क्या सब इस समय दबा के? ओम ने कहा था कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। अगर कोई कंडक्टर है उसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस न हो तो उसमें करंट अगर आप बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। गुड इवनिंग विवेक। अगर करंट को आप जो है डिक्रीज करेंगे इसका मतलब वोल्टेज भी डिक्रीज हो रहा होगा। वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज होता है और वोल्टेज को डिक्रीज करने से करंट भी डिक्रीज होता है। सही है। V बराबर IR। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR वेयर R इज रेजिस्टेंस, जहां R प्रतिरोध है और उसे एक प्रकार का नियतांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। संजय गुड इवनिंग संजय। तो सवाल लगाने हैं सवाल। क्या कह रहे हैं सब? रब पेन लेके बैठे हो? लिखो जरा। तो चार ओम के चार प्रतिरोध लिखो। चार ओम के चार प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चार ओम के चार प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तुल्य प्रतिरोध बताना जरा। क्रिस एक्स वाई जेड करा एक, अमित यादव 16, जल्दी लगाओ ये तो ट्रेलर था। सोलह ओम कितना आया? सोलह ओम आया ना? बिल्कुल करेक्ट है, सोलह ओम ही आएगा। सोलह ओम आपका करेक्ट आंसर है। चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार, चार बार चार ओम को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर फोर फोर जा सिक्सटीन ओम होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट बना के दिखाओ। तुम्हारे आर बाई फोर, आर बाई फोर ओम के चार प्रतिरोध, आर बाई फोर ओम के चार प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा?
लगाओ जरा, आर बाई फोर ओम के चार प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? क्रिस कह रहा है एक्स वाई जेड आर ओम, करेक्ट है आर ओम रुद्र आर, ठीक। कुछ बच्चों की कैपेसिटी और प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड लगभग ठीक है, बाकी सब तेजी से लगाएं तेजी से। अरे श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, चार बार हो जाएगा, और आर के जगह सॉरी आर वन के जगह पे आर बाई फोर और प्लस आर टू के जगह पर भी आर बाई फोर प्लस आर थ्री के जगह पे आर बाई फोर और R जो R4 के जगह भी R बाई फोर। अगर आप 1 बाई फोर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R चार बार, और चारों R को जोड़ लेंगे तो 4R बटा के 4 सॉल्व हो जाएगा, तो आंसर आएगा R ओम, R ओम। हाँ 4R बाई फोर ओम, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा रितेश, आपका आंसर हो जाएगा आर ओम। समझ गए क्या? अगला सवाल देखो, इजी टू मॉडरेट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इजी टू मॉडरेट कहोगे तो हम मॉडरेट टू इजी पे आ जाएंगे, पर हम ये वाली गलती नहीं करेंगे क्योंकि नाइन्थ में यही किए हैं। आप ही लोगों की तरह कुछ जिद कर रहा था तो मॉडरेट टू इजी आ गए, अब उन लोगों का दूटो सवाल अभी बचा हुआ है। लिखो सवाल, किसी परिपथ का कोई सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस 25 ओम है। किसी परिपथ का कुल प्रतिरोध 25 ओम है। अगर R बाई थ्री ओम के चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों तो R का मान क्या होगा? किसी परिपथ का कुल प्रतिरोध 25 ओम है, अगर R बाई थ्री R बाई थ्री R बाई थ्री R बाई थ्री ओम के चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो R का मान क्या होना चाहिए? बना के दिखाओ तो माने, दिमाग है। क्या लगता है, लगा लेंगे? एटीन पॉइंट सेवन फाइव ओम, एक बच्चे का रिप्लाई आ रहा है सर 18.75 ओम। पचहत्तर बटे चार ओम भाग करूं, 18 चौक 72, 72 3 75, 18.75 यार है क्या? आंसर तो बता नहीं सकते क्योंकि हम आंसर लगाए नहीं है।
हो सकता है। योगी आदित्यनाथ कह रहा सर 18.75, हो सकता है आदित्यनाथ जी, बिल्कुल हो सकता है 18.75। मात्रक भी बता दिया जाए, ओम सॉल्यूशंस पे चलते हैं। कोई तकलीफ सॉल्यूशंस पे? तो देखिए हम लिखेंगे R by 3 plus R by 3 plus R by 3 plus R by 3, चार बार लिखेंगे, समझे? जब सबको जोड़ेंगे तो ऊपर से R कॉमन, नीचे से 3 कॉमन। अरे सही है क्या? ऊपर से R कॉमन, नीचे से 3 कॉमन, कुल कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 plus 1 plus 1 plus 1, चार बार। और जब इन चारों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और इनटू में R by 3 रहेगा। चूंकि टोटल बराबर 25 ओम, इसलिए 25 बराबर 4R by 3 ओम, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 75 बराबर 4R और R बराबर 75/4, मतलब 18.72 18.75 ओम करेक्ट आंसर है। 18.75 ओम वालों का करेक्ट है। अरे अब समझ आया? ऐसे समझ ले रहे हैं सब कि व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ेगा? अगला सवाल, लगाया जाए सवाल थोड़े से ठीक ठाक लिखे, थोड़ा सा ऐसे सवाल जो जेई मेन में पूछा जाता है, थोड़ा वैसे भी लगा लो, एक आध दो सीरीज वाले सवाल। चलो एक रेजिस्टेंस बनाओ, उसका नाम एक ओम। दूसरा रेजिस्टेंस बनाए, हाँ बलवंत हेलो, उसका नाम दो। तीसरा रेजिस्टेंस बनाए, उसका नाम तीन ओम। ऐसे ही करते करते डॉट डॉट डॉट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ऐसे ही डॉट 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 100 ओम तक। एक ओम, दो ओम, तीन ओम, चार ओम, पांच ओम, ओमे ओम के इस तरह से 100 प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? एक ओम, दो ओम, तीन ओम, चार ओम, पांच ओम, छह ओम, सात ओम, ऐसे करते हुए 100 तक प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आसान सवाल है। पचपन सौ ओम आदित्यनाथ योगी, पचपन सौ ओम। सोच लो 50-50 ओम या 5500 ओम, कंफर्म कर लो।
अच्छा 50-50 ओम, 5050 ओम हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, पर ये सीरीज वाले सवाल हैं। 1+2+3+4+5+6 ऐसे करते करते 100 तक जोड़ोगे तो एक लॉजिक बता दे रहे हैं, याद कर लो। इसका पहला मतलब 1 ओम प्लस इसका आखिरी मतलब 100, 1 ओम को 100 ओम के साथ जोड़ोगे मतलब फर्स्ट को लास्ट से, तो आपका आंसर बन रहा है 101 ओम, ठीक है। और जब सेकेंड को 2 ओम को 99 ओम के साथ जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 101 ओम। ऐसे ही 3 ओम को 98 के साथ जोड़ेंगे तो भी आएगा आपका 101 ओम। ऐसे जब आप जोड़ेंगे तो 50 बार होगा आपका 101 ओम, 50 बार 101 ओम, और जब 50 का 101 से गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5050 ओम। करेक्ट आंसर है 5050 ओम। मनीषमान बिल्कुल करेक्ट है, रुद्र सही है, योगी वो आपका भी सही है, 5050 ओम। हो गया। रितेश वो समझ नहीं आया, हाँ प्रकाश सही है, शिवम मौर्य 5050 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल लिखें, आखिरी सवाल इस टाइपिंग का लास्ट सवाल, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 8 ओम प्लस डॉट डॉट डॉट, इन प्रतिरोधों को अगर जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, लगा लेंगे, ठीक है, रखते हैं थोड़ा। गुड नाइट सभी को।